हेलो एवरीवन वन बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेस वेक्टर्स के बारे में जैसे आपको पता है फेस वेक्टर दो हैं हमारे पास लैमडा फेज और एम थर्टीन तो आज हम बात करेंगे एम थर्टीन फेस बैक्टर के बारे में तो जो हमारा एम थर्टीन फेस बैक्टर है इट इज फिलामेंटस फेज विच इंजेक्ट ई कुल आई हैविंग एफ ठीक है इसको जो है फिलामेंटस फेज है जिसको हम इंजेक्ट करेंगे जिसमें एफ पीली है इट्स जिनोम इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ़ सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवन बेस पेयर ठीक है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और इसका इतने इतने बेसपियमें है इसमें फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्ट इनटू इट विदाउट डिस्प्यूटिंग एनी ऑफ द एसेंशियल जीन्स इसको में जो है फॉरन हम जीन्स को इंसर्ट करेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग एनी ऑफ दर दी थर्टीन फेस एंटर द बैक्टीरियल इट इजेड मोलिक्यूल जैसे ही वो एम थर्टीन फेस जो है बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाएगा, जाएगा उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड मोलिक्यूल में जिसको बोलते हैं रेप्लीकेटिव फॉर्म और आर एफ ठीक है विच ट अंटिल दे आर हंड्रेड कॉपीज इन द सेल वो तब तक रेप्लीकेट करता रहेगा जब तक तो कि उस सेल में हंडर्ड कॉपीज ना हो जाए ठीक है एट दिस पॉइंट द रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए बिकम एसमेट्रिकल सो दैट सिंगल स्टैंड कॉपी ऑफ डी एन ए मोलिकुलर प्रोड्यूसड इस स्टैंड पे हमारा जो रेप्लीकेशन जो डी एन ए की वो एसमेट्रिकल हो जाएगी सो so दैट सो दैट सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी ऑफ डी एन ए मोलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड इनकी जब हमारे इस पॉइंट पर एप्लीकेशन जो है डी एन ए की एस मेट्रिकल हो जाएगी सिंगल स्टैंड कॉपी होगी डी एन ए मोलिक्यूल की प्रोड्यूस होगी ठीक है सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी जो हमारे डी एन ए की मोलिक्यूल की वो प्रोड्यूस्ड होगी कम आउट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल एस एम थर्टीन पार्टिकल्स और वो कम आउट हो जाएगा बैक्टीरियल सेल्स है एस एम थर्टीन पार्टिकल्स ठीक है ये जो है बैक्टीरिया से रिलीज होगा जब इसकी हंड्रेड कॉपीज बन जाएंगी सिंगल स्टैंडर्ड की ठीक है डिवाइड करेगा मल्टी स्टैंडर्ड और देन सिंगल स्टैंडर्ड ठीक है द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फेज एज इज दैट वी गेट सिंगल स्टैंडर्ड जीन क्लोन हमें इससे जो है सिंगल स्टैंडर्ड जीन क्लोन्स मिलते हैं ये इसकी एक एडवांटेज है विच आर यूजफुल फॉर वेरियस टेक्निक्स इंक्लूडिंग डी एन ए सीक्वेंसिंग ठीक है

वो प्योरीफाइड एंड मैनिपलेट होंगे लाइक प्लाजमिट मोर ओवर जीन क्लोनिंग एम थर्टीन बेस्ड वैक्टर कैन बी ऑप्टेन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए ये जो है जी थर्टीन जीन क्लोनिंग जीन थर्टीन बेस्ड वैक्टर कैन बी ऑप्टेन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए की फॉर्म में हमें अवेलेबल होंगे ठीक है यहाँ पे ये हमारा एम थर्टीन जीनोम सिक्स पॉइंट फोर के बी इसका मोलिकुलर इसका मास है ठीक है और यह है इसका डी एन ए फॉर अ डबल स्टैंडर्ड एप्लीकेटिंग फॉर्म यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आ गया यहाँ पे ठीक है वन यहाँ पे टू यहाँ पे थ्री अलग अलग पॉइंट पे जो है अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं अलग अलग नंबर लिखने का मतलब कि वन फोर से लेके जो वन तक है वो है इसकी असेंबली ठीक है सिक्स टू सेवन सिक्स टू सेवन जो है हमारे पास कॉजमिट प्रोटीन है और फाइव जो है हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बैंडेड प्रोटीन है टेन हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन सिंगल स्टैंडर्ड सर्कल है और टू हमारे पास डीएनए एन एंडलियस है फॉर डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म्स ठीक है और ये डी एन फेज का इसके साथ हमारी छोटी सी वीडियो एम फेस बैक्टर की कंप्लीट होती है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू